आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के 2 दिन बाद उनकी रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी और अवैध बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने पीटीआई प्रमुख को आज सुबह 11 बजे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होने का भी आदेश दिया। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कई शहरों में इमरान खान के समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया, सरकारी इमारतों और प्रतिष्ठानों को नष्ट किया। वहीं पुलिस विरोध प्रदर्शन के बाद इमरान खान के करीबन 2000 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।